हेलो दोस्तों, स्वागत है देश विदेश चैनल में। आज का टॉपिक है चाइना ने अपने देश का विकास कैसे किया, हाउ डिड चाइना डेवलप हिज कंट्री। दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भारत के आजाद होने के 2 साल बाद ही पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना बना था। 1950 और 60 के दशक में भारत चाइना से प्रति व्यक्ति आय और GDP में आगे रहा था, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था $2.7 trillion की है और चाइना की अर्थव्यवस्था $14 trillion की है। देखते ही देखते चाइना के शहर दुनिया के डेवलप्ड शहरों में गिने जाने लगे, जैसे शंघाई, बीजिंग, हांगकांग इत्यादि। चाइना ने 1981 से 2015 के बीच 80 करोड़ लोगों को, हाँ दोस्तों 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आओ जानते हैं चाइना ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। भारत की दीपावली में अब दिए नहीं जलते, अब जलती हैं तो चाइना की इलेक्ट्रिक लड़ियाँ। बम पटाखे भी वहीं से आते हैं, होली का सामान भी वहीं से आता है, सारी पिचकारियाँ, रंग इत्यादि सारा सामान अब चाइना से ही आता है। आज चाइना विश्व की ग्लोबल फैक्ट्री बन चुका है। दुनिया के सभी बड़े बड़े देश चाइना में फैक्ट्री लगा चुके हैं या फिर चाइना से अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं। चाइना में धंधे का एक ही फॉर्मूला है, वे कोई भी सौदा छोड़ते नहीं हैं और किसी भी सौदे में नुकसान नहीं उठाते हैं। वे हर रेट का माल बनाते हैं, सस्ता भी और महंगा भी। यही वजह है 2011 में 40,000 भारतीय यहां आए थे और जबकि 2013 में 3,60,000। चाइना ने पहले फैक्ट्रियां बनवाई, फिर उत्पाद को बेचने की व्यवस्था की। अब इंपोर्टरों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही फैक्ट्रियां मालिकों को खरीदार ढूंढने की जरूरत है। चीन के विकास की कहानी 1980 में शुरू हुई थी, जब चीन पूरी तरह साम्यवादी था। निजी संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं था, जो कुछ था स्टेट का था। लेकिन रातों रात चीन ने इसे पूरी तरह बदल दिया। अचानक ही ऐसी चीजें हो गई जिसके बारे में सोचना भी संभव नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया, जिसमें कोई भी विरोध की गुंजाइश नहीं थी। चीन ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। ये इकोनॉमिक जोन चीन के विकास में ध्रुव का पत्ता साबित हुआ। चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से कम का नहीं है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने दुनिया भर के बिजनेसमैन को अपनी ओर खींचा। 1990 में चाइना का ग्लोबल आउटपुट बाय वैल्यू 3% था, लेकिन वह 3% से बढ़कर 25% हो गया है। आज एक देश 200 देशों में अकेले ही 25% ग्लोबल आउटपुट वैल्यू दे रहा है। आज 80% एयर कंडीशनर चाइना बना रहा है, 70% दुनिया भर के मोबाइल चाइना बनाता है, 60% दुनिया के जूते चाइना बनाता है, 60% दुनिया का सीमेंट चाइना बनाता है, 55% स्टील पूरी दुनिया का चाइना प्रोड्यूस करता है, 50% एप्पल दुनिया के चाइना से आते हैं। सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका, जो कि 6% एप्पल प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इंडिया का 5th रैंक है एप्पल प्रोड्यूस करने में, जो कि 2.5% ओनली है। दोस्तों आपको लगता होगा चाइना केवल सस्ता आइटम बनाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 60% मोस्ट लग्जूरियस ब्रांड चाइना से ही आते हैं। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि चाइना वर्ल्ड की ग्लोबल फैक्ट्री कैसे बना, और साथ में यह भी समझते हैं कि भारत कैसे पीछे रह गया। फर्स्ट पॉइंट है मास प्रोडक्शन। दोस्तों चाइना का प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पे होता है कि वह जिस कंट्री में अपना सामान बेचता है वहाँ का प्राइस गिरा देता है। चाइना का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वह कम प्राइस पर भी मुनाफा कमाता है। सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग विद रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों चाइना डुप्लीकेट माल बनाने में एक्सपर्ट है। वह हर उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट माल बनाता है जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, TV, शूज एक्स्ट्रा। लेकिन आज भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही की जा रही है। इंडिया में अभी ग्लोबल एक्सपोजर की कमी दिखाई देती है। भारतीय दुकानदार आज भी अपनी दुकानदारी अपने गली मोहल्ले में ही करते हैं और वे इससे काफ़ी खुश हैं। ना ही वे अपने सामान को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं और ना ही इसका प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। दोस्तों काफ़ी लोगों को लगता होगा कि चाइना की लेबर काफ़ी सस्ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना की लेबर काफ़ी स्किल्ड होती है। कॉस्ट इफेक्टिव लेबर मीन्स यदि इंडियन लेबर 1 घंटे में 20 मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन करेगी तो चाइना की लेबर वहीं 60 मोबाइल फोन डिज़ाइन करेगी। दोस्तों लास्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़।
दोस्तों चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि वहाँ हर घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। इस कारण उनके पास जो भी ऑर्डर आता है वह उसे तुरंत बना देते हैं और वो भी प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ, जिस कारण उनको वो ऑर्डर दोबारा से मिलता है और इस तरह पूरा चाइना सक्सेस पे सक्सेस करता रहता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।